मेरे पास कितने प्यारे खिलौने हैं। ओह, मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। मेरे फेवरेट चिप्स। ओह, इतनी जोर से कौन रो रहा है? एली, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूँ। समाचार में नया क्या है? क्या यह नहीं हो सकता? मेरे घर में किसी को भूख से रोने की इजाजत नहीं है। अब मैं पता लगाऊंगी कि क्या हुआ। ओह, इतनी जोर से कौन रो रहा है? यह भूख से रोने की आवाज है। मेरे यहाँ रहते कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। मुझे खाना चाहिए। वाह, आप सब यहाँ हैं? आइए खाना पकाने की चुनौती शुरू करें। क्या आप मेरी नई ड्राइंग देखने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यह बहुत सुंदर, जूसी और स्वादिष्ट हो। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर बनेगा। यह क्या है? कीमा, कितना खराब। मैं किसी हाल में कच्चे मीट के साथ खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा डोनट बर्गर बनाऊंगी। ये सचमुच स्वादिष्ट होगा। मुझे एक मीठा डोनट चाहिए। फिर इसे चाकू से दो भागों में काट लेंगे। ओह नहीं नहीं, चलो चाकू नीचे रख दो। और अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। न्यूटेला के बिना मीठा बर्गर कैसा? यह जरूरी चीज है। एक चम्मच काफी होगा। डोनट के ऊपर न्यूटेला फैलाएं। और अब मुझे मार्शमेलोस चाहिए। मैं भयानक कीमा कटलेट के जगह पर इसे रखूंगी। मार्शमेलोस को एक स्टिक पर लगा देती हूँ। अब मार्शमेलोस को थोड़ा भूरा भूनूंगी, जब तक कि वे थोड़ा पिघल ना जाए। इसकी खुशबू कितनी स्वादिष्ट है। इतना काफी है। न्यूटेला डोनट पर मार्शमेलोस को रखेंगे। और अब मुझे कुछ गमीज चाहिए। इसके साथ का कोई जवाब नहीं है। मैं गमी रिबन का एक स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं गमी रिबन को एक साथ बांधूंगी इस तरह से। बहुत अच्छा। मार्शमेलो के ऊपर गमी फैलाएं। और क्या? बिल्कुल सॉस। मुझे मीठी चेरी के स्वाद वाले जेल की जरूरत होगी। कुछ लोग बर्गर पर केचप डालते हैं, लेकिन मीठे बर्गर में चेरी जेल होना चाहिए। यह सचमुच स्वादिष्ट है। जब हमने इस पर अच्छे से मीठा जेल डाल दिया है, तो हम इसे ऊपर से आधे डोनट से ढक सकते हैं। वाह, मुझे ये सब कैंडी वैंडी समझ नहीं आती। हमें वास्तव में कुछ ऐसा बनाने की जरूरत है जिससे पेट और मन दोनों भर जाए। जैसे कि मीट कटलेट के साथ एक असली बर्गर। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। और मुझे अब कुछ सब्जियों की जरूरत होगी। चलो पहले टमाटर काटें। हाँ, बहुत बढ़िया। और अब मुझे प्याज की भी जरूरत है। यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो एन, तुम कैंडीज के अलावा कुछ और भी पका सकती हो। अब चलो बन लेते हैं और बर्गर को असेंबल करना शुरू करें। हमने सलाद का एक पत्ता डाला, फिर एक कटलेट और ऊपर से चीज का एक टुकड़ा रखना है ताकि वह थोड़ा पिघल जाए। फिर केचप डाले ताकि बर्गर सूखा ना रहे। टमाटर और प्याज का एक टुकड़ा। बस इसे आधे बन से ढकना बाकी है। तैयार। एली को यह जरूर पसंद आएगा। यह मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। मैकडोनल्ड्स इसे बेहतर करता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इस तरह के बन से स्वादिष्ट बर्गर नहीं बनेगा। आपको केवल तेल के साथ एक काला बन लेना है। ये सचमुच स्वादिष्ट और प्रभावशाली है। अब बन को पैन में हल्का ब्राउन होने के लिए रख दे। इस बीच ग्रिल को बाहर निकाले और चलो इसमें कटलेट पकाते हैं। मुझे एक समान सुंदर कटलेट बनाने के लिए ताजा कीमा और एक रिंग की जरूरत है। सभी कीमा को रिंग में रखें और अब पैटी को ग्रिल करें और फिर बैकन डाले, उसे भी ग्रिल करना है। इसके साथ हर चीज का स्वाद अच्छा होता है। सब कुछ तैयार होने के लिए थोड़ा इंतजार करना बाकी है। यह तैयार है और चलो अब बर्गर को असेंबल करें। पहले बन, फिर सलाद, सलाद पर कटलेट और कटलेट पर चीज डालते हैं। वाओ, फिर इसे बार बार दोहराएंगे। मैं इसे खुद ही खा लेता। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह
तैयार है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने निश्चित रूप से खुद को मात दे दी। चलो जल्दी से अली इसे ट्राई करके बताओ। वाओ दादी, क्या आपने इसे देखा? हाँ, वाओ, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इससे शुरुआत करूँगी। ये बर्गर बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे मैंने इसे बनाया था। इसे ट्राई करना होगा। प्याज! मेरे ड्राइंग में कोई प्याज नहीं था। मुझे प्याज से नफरत है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। चलो इस विशाल बर्गर को ट्राई करें। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये सचमुच बहुत अच्छा है। मुझे पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मीठा डोनट बर्गर है? मार्शमेलोस कितने स्वादिष्ट ढंग से चारों ओर बह रहे हैं। ये मस्त है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पसंद है। और उनमें मेरा फेवरेट गमी भी शामिल है। ये बहुत अच्छा है। वाह, पर कौन जीतेगा? ये या या? बिल्कुल सिस्टर एन जीत रही है। क्या, मैं जीत गई? वाह, आप क्या खाएं? बिल्कुल कुकीज। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाए। मैं आपके डिश का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, हमें डो को तोड़ने की जरूरत है। बेबी, डो के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? तुम उसे तोड़ नहीं सकती, तुम इसे केवल बेल सकती हो। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो और सीखो। इसे धीरे हल्के हाथों से बेलना है, समझी? हाँ हाँ, समझ गई। मुझे भी बेलने दो। आगे क्या करना है? और फिर मैं एक गोल सांचा लेती हूँ। मैं इसका उपयोग कुकीज काटने के लिए करूँगी। ऐसे मेरे पास बेकिंग शीट पर चार कुकीज हैं। चलो अब मैं इसे अवन में पकाऊंगी। इसे अंदर डाला, तापमान सेट किया और थोड़ा इंतजार करना है। शेफ, तुम्हारा क्या चल रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने जिंजर ब्रेड हाउस के लिए पहले ही शेप्स काट लिए हैं। मैंने साधारण कुकीज नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड बनाने का फैसला किया है। हाँ, बस मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। सभी अपने अपने कुकीज तैयार कर रहे हैं, मेरा क्या? मुझे अब बेलन की जरूरत नहीं है। हम एक बड़ी कुकीज बना सकते हैं, तो ढेर सारी छोटी कुकीज क्यों बनाए? इसका स्वाद यकीनन बहुत अच्छा होगा। चलो इसे काट दे। सुपर, सभी एक्स्ट्रा को हटा दिया। और अब इस पर M&M लगाऊंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। एली को मेरी कुकीज जरूर पसंद आएगी और मुझे जीत दिलाएगी। लेकिन पहले सब कुछ बेक करना होगा। और थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। वाओ, बढ़िया। मेरी कुकीज बाहर निकालने का समय आ गया है। अब देखते हैं क्या यह तैयार है। ओह, मिटन पहनना नहीं भूलना है। वाह, क्या खुशबू है, अद्भुत। अब हमें सभी कुकीज को एक प्लेट में खूबसूरती से रखना है। वाह, कितना सुंदर। मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। मुझे यह बेकार चीज मत दिखाओ। अब मैं तुम्हें असल में स्वादिष्ट और सुंदर कुकीज बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे पास जिंजर ब्रेड हाउस होगा। इसे जोड़ने की जरूरत है। मैं आइसिंग शुगर का उपयोग करके सभी भागों को एक साथ चिपका दूंगा। बस सबसे अच्छा है, एक बार जब मैंने सभी टुकड़ों को एक साथ रख दिया तो फिर इस पर ऊपर से पाउडर शुगर छिड़कूंगा और कैंडी से सजा दूंगा। वाह, बहुत शानदार। मैं अपने आप से 100% खुश हूँ। एन, तुम कुकीज नहीं खा सकती। बेहतर होगा अपने कुकीज पर ध्यान दो। ओह, मैं भूल गई थी कि मैंने भी कुकीज बनाई है। इसे अभी निकालती हूँ। है ना बहुत सुंदर? ये एक स्माइली फेस है। वाह, मैं खुश हूँ। ये जिंजर ब्रेड हाउस है और ये सिर्फ मेरे लिए है। मैं ये सब अकेले कैसे खा सकती हूँ? हालांकि ये आसान है। मैं खिड़की को ट्राई करूंगी। जिंजर ब्रेड विंडो कमाल का स्वादिष्ट है। मुझे कुछ और खाना चाहिए। यह जिंजर ब्रेड छत बहुत अच्छी है। इस पर मेरे फेवरेट स्कीटल्स कैंडीज है। स्वादिष्ट। यह कमाल का स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है। शेफ, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपने एक बहुत ही बढ़िया जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। और अब क्या बचा है? यहाँ एक फन कुकी है। स्माइली फेस है यह बना हुआ। वाओ, चलो इसे चखती हूँ। यह मस्त है। मुझे अच्छा लगा जब लोग खाना पकाने में क्रिएटिव हो गए हैं। और यह क्या है? साधारण कुकीज।
बोरिंग दिख रहा है, स्वाद भी बोरिंग है। और कौन जीता इसके बारे में सोचना भी अजीब है, क्योंकि यह शेफ है। मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। What? और अब मुझे पिज्जा चाहिए। हाँ हाँ, इसे जल्दी से बनाइए। मैं इंतजार कर रही हूँ। सबसे पहले हमें टोमेटो सॉस लेना होगा। यहाँ हुआ है, चलो खोलती हूँ। खुल गया जी, एक चम्मच चाहिए। चलो थोड़ा चख लेती हूँ। बुरा नहीं है। अब हम पिज्जा पर एक चम्मच इसे डालते हैं और सब कुछ फैलाते हैं। हाँ, तो आगे क्या है? बिल्कुल, हमें पिज्जा के एक टुकड़े पर चीज ग्रेट करना होगा। मैं पिज्जा बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी जैसा चित्र में एली ने बनाया है। सबने सुना कि उसे ऐसा ही पिज्जा चाहिए। और आप पेपरोनी डाले। ओ एन, तुम पिज्जा की चीजें नहीं खा सकती, यह कम पड़ सकता है। खूबसूरती से सब और डाले। और मुझे एक अवन चाहिए, एक छोटा अवन ही काफी है। चलो इसे अंदर डाल दिया और इंतजार करते हैं। शेफ, तुम्हें मेरा पिज्जा कैसा लगा? क्या यह पिज्जा था? कितना भयानक। ओह, आपकी पोती एन क्या कर रही है? एन, अपने खाने के साथ मत खेलो। दादी, मैं खेल नहीं रही हूँ। मैं पिज्जा को ऊपर उछालकर असली इटालियन की तरफ बेलने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यह ले लो। हाँ, धन्यवाद दादी। मैं लिक्विड मार्शमेलो लूंगी। ढक्कन हटा देती हूँ। ओह माफ करना दादी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, तो मैं कहाँ थी? बिल्कुल, मुझे मीठा लिक्विड मार्शमेलो पिज्जा सॉस निकालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। लाजवाब। यम्मी। चलो डो के ऊपर चम्मच रखिए और फैला दे। और अब फिलिंग का समय। मेरे फेवरेट स्किटल्स, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। अब हम स्किटल्स को एक सुंदर पैटर्न में सीधे पिज्जा के टुकड़े पर रखते हैं। बहुत सुंदर। अब केवल इसे कुक करना बचा है। पिज्जा के साथ बेकिंग शीट को ओवन में रखें। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। शेफ, क्या आपने अभी तक कुछ नहीं किया? क्या तुमने कुकिंग शब्द का अर्थ बिगाड़ दिया है? फिर मैं उस अंधेरे से बाहर निकालना शुरू कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि दुनिया भर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में पिज्जा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इस सामान्य डो को छोड़ देते हैं। मुझे इसे काला करने के लिए कटलफिश इंक की जरूरत है। इससे डो अधिक स्वादिष्ट बनेगा। और अब इसे बेल लिया और इस पर टोमेटो सॉस फैलाऊंगा। एक चम्मच लिया और अब इसे चारों ओर फैला देता हूँ। अद्भुत, इस बार मेरे पास एक अलग तरह की चीज होगी। और यह, ओह, बहुत बदबूदार। यह गलत है, यह एक महंगा ब्लू चीज है। एली को किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब हम पिज्जा पर चीज को कद्दूकस कर देते हैं, तो बस उसके ऊपर सुंदर छिले हुए झींगा डालना बाकी रह जाता है। मुझे सी फूड बहुत पसंद है। right. और हर तरह के सी फूड। चलो यहाँ थोड़े मसल्स लगा दिया और चेरी टमाटो। वाव, सभी चीजों को सावधानी से बेक करने के लिए ओवन में रखें। यह बहुत स्वादिष्ट बनना चाहिए। हमें बस टाइम सेट करके थोड़ा इंतजार करना है। दादी, सो मच। दादी, मैं समझ गई। कौन सो रहा है? मैं नहीं सो रही। हाँ, पिज्जा में क्या है? यह शायद तैयार है। हाँ, इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। मेरा पिज्जा अच्छे से पक गया है। आपका क्या है? ओह, मेरा भी पक गया है। जला नहीं, स्वादिष्ट सुगंध। अरे बाप रे, मेरा पिज्जा, ये जल गया। एली इसे नहीं खाएगी। ओह, अब इसे चखने का समय आ गया है। ओह, अरे यहाँ क्या है? छी, काला पिज्जा। ऐसा लग रहा है ये जल गया है। क्या मुझे इसे खाना होगा? है बस एक छोटा सा टुकड़ा। आह, भयानक, मुझे पसंद नहीं आया। मैं इसे डिसलाइक कर रही हूँ। ओप्स। और यहाँ क्या है? किसी तरह के शेल्स। मुझे इतने सारे टमाटरों की क्या जरूरत है? सब हटा देती हूँ। अब मैं इसे चखने के लिए तैयार हूँ। कितना खराब, ये एकदम बेकार है। शेफ, ये पिज्जा अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ स्वादिष्ट होगा?
वाह, ये पिज्जा जैसे मैंने बनाया था बिल्कुल उसकी तरह है। चलो इसे ट्राई करें। वाह स्वादिष्ट, दादी जीत गई। हाँ आखिरकार मैं जीत गई।